जो बातचीत हमने जो उनसे कहा उसका उन्होंने स्वीकार किया, उसको उससे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़ के उन्होंने कहा है और वो करेंगे, बस हम उससे संतुष्ट हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई उन्होंने सारी बातें खुद कर दी, हाँ। आश्वासन उन्होंने, क्या कुछ बातचीत रही, कुछ बताइए किस तरह की बातचीत? अब बातचीत जो हमें कहना था उनसे हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। क्या कुछ कहा आपने? अब इतना हम वैसे बहुत परेशान है जो आपसे बता पा रहे हैं उसके लिए उतना सुनिए आप। हम वैसे बहुत कार्रवाई, उन्होंने कहा है कि जो दोषी है उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। हाँ हाँ, क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की जो पूरी हो जाए। क्या क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे, ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों के बस की बात नहीं है। क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या कुछ माहौल था, कैसे ये सारी चीजें इतनी बदल गई? स्थिति तो वहाँ सब नॉर्मल थी। कैसे इतनी बातें आगे? बातें इतनी सिर्फ प्रशासन की वजह से, जो वहाँ के इंचार्ज साहब थे उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी लापरवाही। एक और आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया? जो आश्वासन उन्होंने दिया है वो पूरा करेंगे, हम उससे संतुष्ट। कुछ धनराशि देने की भी बात? हाँ बिल्कुल, बात क्या कही उन्होंने? अब उन्होंने कहा जो हो सकेगा हमसे हम वो करेंगे। पीड़ित परिवार मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बुलवाया था अपनी ओर से। पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर उनका आश्वासन था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। और उसकी पत्नी हाई स्कूल पास है, तो अगर उसके लायक कोई ऐसी चीज है या नौकरी है या संविदा पर कोई ऐसा मानक के अनुसार रहेगा तो उस पर भी विचार करने के लिए कहा। एक बड़ा अहम सवाल है सर, आप उसकी विधानसभा से चीजें आपने देखी, क्या कुछ बड़ी वजह मानते हैं जो चीजें इतनी बढ़ गई और बात यहाँ तक आ गई कि पूरे जिले में स्थानीय स्थिति? नहीं, पूरे जिले में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, अगल बगल के गांवों में स्थिति उत्पन्न हुई और उसके पीछे जो अधिकारी थे उनको दंडित किया जा चुका है, जांच हो रही, जो शेष बचे हैं उनको भी बहुत जल्द ही दंडित किया जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से पीड़ित परिवार ने मुलाकात करी, क्या लग रहा है पीड़ित परिवार के लिए भी बातचीत करी? उन्होंने बताया कि हम मांग करते हैं कि जो दोषी है उनका एनकाउंटर किया जाए, उसके साथ नहीं वो कड़ी कार्रवाई करने की बात की। अब कड़ी कार्रवाई में परिस्थितियां और समय, अब पुलिस पकड़ने जाए और पुलिस के ऊपर उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, वो फायर करने लगे तो पुलिस गोली तो खाएगी नहीं, वे तो परिस्थितियां तय करेंगी कि किन परिस्थितियों में मुलजिम गिरफ्तार हो रहा है।